सुषमा चौधरी। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना खजाना सुषमा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं हम। आज हम आम की लच्छेदार रबड़ी बनाएंगे। आम की लच्छेदार रबड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं आम की लच्छेदार रबड़ी रेसिपी। मैंगो रबड़ी बनाने के लिए ये मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है और ये मैंने 2 मैंगो ले लिए हैं, 80 ग्राम मैंने शुगर लिया है, ये लिया है मैंने ग्रीन पिस्ता, ये लिए है मैंने टूटी फ्रूटी और ये लिया है मैंने आलमंड, ये लिया है मैंने कैस्यू नट, ये ली है ग्रीन छोटी इलायची। चलिए तैयार कर लेते हैं रबड़ी को। तो ये देखिए आप, मैंगो रबड़ी बनाने के लिए मैंने गैस ऑन कर ली है, एक कढ़ाई रख दी है गैस पर। सबसे पहले हम कढ़ाई में दूध डाल देंगे, तो डाल देते हैं। सबसे पहले हमें दूध को उबालना है। जब तक इधर दूध उबलता है उधर हम मैंगो कट करके रख लेते हैं। दूध में उबाल आने तक हम मैंगो को कट करके ले लेते हैं और दूध पर भी अपनी नजर रखेंगे और ड्राई फ्रूट भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए आप, मैंगो को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। इधर हमने बादाम भी बारीक कट कर लिया है, काजू को भी कट कर लिया है और ये पिस्ता भी कट कर लिया है और इलायची का हमने पाउडर करके ले लिया है। तो ये देखिए आप, दूध में भी उबाल आ चुका है हमारे और अब हमें दूध को चलाते हुए गाढ़ा करना है, तो कर लेते हैं। और ये जो दूध के ऊपर मलाई आ रही है इसे हमें साइड में हटाते जाना है। ऐसा करने से हमारी रबड़ी अच्छी लच्छेदार बनकर रेडी होगी और दूध की हमें साइड वाली मलाई को हटाते हुए दूध में मिक्स करके लेना है। कर देते हैं हटाते हुए इसको मिक्स। ये देखिए आप, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, पहले से बिल्कुल दूध आधा रह गया है हमारा। अब इसमें हमें ऐड करना है शुगर, कर देते हैं। ऐड कर देते हैं शुगर, हमने ये 80 ग्राम शुगर लिया है। आप अगर मीठा थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं तो मीठा थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं। अब हमें रबड़ी में ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं, तो कर देते हैं। ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं रबड़ी में, काजू डाल देंगे, बादाम भी डाल देंगे और पिस्ता भी डाल देंगे, इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमने रबड़ी में ऐड कर दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस हमने बंद कर दी है, कढ़ाई को हम नीचे उतार कर रख लेंगे। तो ये देखिए आप, रबड़ी को हमने गैस से नीचे उतार कर ले लिया है। ये देखिए, मैं जरा आपको दिखा देती हूँ, रबड़ी हमारी काफी लच्छेदार बनकर रेडी हुई है। ये देखिए आप, ये देखिए आप। अब इसमें ऐड करना है हमें मैंगो, कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें मैश कर सकते हैं मैंगो, लेकिन मुझे ये पीसेज में कट करे हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं ऐसे डाल रही हूँ। मैश भी आप इसको कर सकते हैं। इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। मैंगो रबड़ी हमारी एकदम रेडी है। सर्व करने के लिए बाउल में लगाकर ले लेते हैं रबड़ी को। तो ये लीजिए, रबड़ी को हमने बाउल में कर लिया है सर्व करने के लिए। इस पे थोड़े बादाम, काजू और आम से इसको सजा देते हैं। साइडों में हम इसको मैंगो से सजा देंगे।
तो मैंगो हमने डाल दिया है। अब हम इस पे बादाम भी डाल देते हैं। तो ये लीजिए बादाम भी हमने लगा लिए हैं। अब हम इस पे कुछ पिस्ता लगा लेते हैं और टूटी फ्रूटी लगा कर ले लेते हैं। तो ये लीजिए टूटी फ्रूटी भी हमने लगा ली हैं। तो ये लीजिए आप मैंगो की लच्छेदार रबड़ी बनकर एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। आप रबड़ी को फ्रिज में रख करके 3 से 4 दिन तक खा सकते हैं। रबड़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर के तैयार हुई है। अगर आपको मेरी मैंगो लच्छेदार रबड़ी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना खजाना सुषमा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना खजाना सुषमा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।